और हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह यरूशलेम में चल रहे थे वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैन और ये इतिहास का सबसे बड़ा घटना है God वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ earth. और परमेश्वर इस पृथ्वी में चल रहे हैं जीसस द सन ऑफ गॉड द मसीहा इज एंटरिंग जेरुसलम और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं ही इज वॉकिंग टू जेरुसलम टू टेक अप द क्रॉस एंड ले हिज लाइफ एज़ अ रैंसम फॉर ऑल ऑफ अस और वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और वो आपके लिए और मेरे मेरे लिए क्रूस पे चढ़ने वाले हैं And we can see God has planned this from the beginning and it's been prophesied so many times. And we can see Jesus is fulfilling it. People are celebrating and inviting him and welcoming him when he's walking into Jerusalem sitting on a donkey. And sitting on a donkey. We can see after that, Jesus is looking for the fig tree to bear fruit, but it's not there, and he curses it. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगती है तो वो पेड़ की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पे उसमें उन्हें कोई फल नहीं मिलता और उसे वो अभिशाप देते हैं और अभी हम वापस से देखेंगे कि यीशु मसीह कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं to और अभी हम आज पंद्रह से उन्नीसवा वचन पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट

फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफो के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी वाह नो चीज कम टू दी एंटर्सोड हीसिंग और अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं मंदिर में आते हैं और वहां पे वो देख रहे हैं कि वहां पे व्यापार हो रहा है We can see that God enters, Jesus enters the temple and stands there, and he could only see business, so much of distraction, so much of buzz. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं जो परमेश्वर के पुत्र मंदिर में आ रहे हैं और वहाँ पे वो क्या देख रहे हैं? वो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब जगह पे व्यापार हो रहा है. और पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे लोग जो है बेच रहे है, खरीद रहे हैं हैं। खरीद और यहाँ पे परमेश्वर मंदिर में है तो लोगों ने वहां पे जाके घुटनों के बल गिर के उनका आराधना करना चाहिए था लेकिन वहां पे वो नहीं हो रहा People were so distracted in buying and selling, money, transaction, which is basically idol worship. People had tables and you know, chairs like, you know, they were able to go for a uh, one day market and place their business uh, table and pay for a particular uh, stall in a location. And make commissions. और यहाँ पे देखेंगे तो लोग शायद वहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे व्यापार करने के लिए वो और वो अपन वहाँ पे टेबल और कुर्सी को लाकर वहाँ पे बैठ कर वहां पे वो लोग लेन देन कर रहे थे व्यापार कर रहे थे दिस प्लेस वेयर दे आर डूंगस इज पार्ट ऑफ जिस जगह पे वो व्यापार कर रहे थे वो मंदिर में कर रहे थे इट्स द कोट ऑफ द आंगन में जहां पे मंदिर का आंगन है वहां पे कर रहे थे यू नो लाइक एज बिग एज फाइव फुटबॉल कोर्ट साइज और ये मंदिर का आंगन इतना बड़ा था जैसे कि पांच फुटबॉल का कोर्ट के इतना बड़ा था जेंट हाइज नॉट ए जूस दूस दिल खाम एंड ऑफर एंड temple टू वर्शिप

Jesus is standing there, and there's so much of business on the Passover. There were thousands and thousands of people who have walked into the temple. When people are coming from all over the world for the Passover, they don't carry the animal that they want to offer. When people are coming from all over the world for the Passover, they don't carry the animal that they want to offer.

तो वो लोग जब वहां पे आए तो शायद उनको वहां पे जानवर खरीदना होता था और ये वहां पे उन, उनके लिए उपलब्धि की गई थी सो वेन यू ब्रॉट मनी बिकॉज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जो पैसा था वो अलग होता था इसके वजह से वहां पे फॉरिन एक्सचेंज हुआ करता था जहाँ पे वो का पैसे को बदलते थे दिस वॉज डन इन दूर ये मंदिर में किया गया था करप्शन इन दें People are charging high rates for exchanging money into shekels. Look at this people were coming there to worship but they had to pay a heavy price to buy the animal for the sacrifice and they have to pay a big exchange rate to change their money. It was basically an expensive airport. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे परमेश्वर का आराधना करने के लिए आए थे लेकिन आराधना के बजाय यहाँ पे वो लोग पैसा देकर जो है व्यापार कर रहे थे And Jesus got upset. और यीशु मसीह को इस कारण गुस्सा आया। So he turned the tables upside down. You know something that happens is that the pre-chief priest will choose certain animals and keep it there, and and that's the animal that people have to bring for the offering if it is not from the shop of the priest.

नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे बस लोग आके मुनाफा कमा रहे हैं पीपल आर ट्राइंग टू फिल बेलीज एंड अर्न मनी थ्रू द वर्शिप प्लेस और यहाँ पे जो लोग हैं अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं पैसा कमा कमा कर और यहाँ पे परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे हैं वचन 16। और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और यीशु मसीह को गुस्सा आया और ही डिडंट लेट एनीबॉडी वॉक इन द टेंपल वॉक आउट ऑफ द टेंपल ब्रिंगिंग थिंग्स टू सेल यू नो मेक मनी दे मेड द टेंपल लाइक अ वेयर यीशु मसीह ने किसी को भी अंदर और बाहर जाने नहीं दिया वचन 17 और उपदेश करके उनसे कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर okay. तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया है oh, Saying you guys turned the place of prayer and worship into a place of robbery. People come there with a heart of thankfulness and repentance, but they turn into a place of business transaction. यहाँ पे लोग आते हैं आराधना करने के लिए लेकिन तुमने इस जगह को अड्डा बना दिया है What a rebuke. ये कितना बड़ा आठ यीशु मसीह ने दिया डेन ऑफ robbers। और उन्होंने ये कहा लुटेरों का अड्डा why, why लुटेरों का अड्डा इसका मतलब क्या है coming from ऑफ places ऑफ द वर्ल्ड टू वर्शिप God. और वहां के लोग जो है इतने सारे दुनिया भर से लोग आ रहे थे आराधना करने के लिए और उन्होंने उन्हें आराधना पीपुल इन डिफरेंट वेस और उन्होंने लोगों को लोगों के पैसे को चुराया बहुत अलग अलग तरीके से ऑपरचुनिटी ऑफ पीपल और उन्होंने लोगों का अवसर को छीना जो रिश्ता वो परमेश्वर के साथ बनाने के लिए आए थे उस अवसर को उन्होंने छीना थिंक अबाउट दिस पीपल व्हाई वुड दे कम टू द टेंपल आप मेरे साथ सोचे कि लोग मंदिर में क्यों आते हैं बिकॉज़ दे वांट टू प्रे क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना they है यू हैव अ नीड क्योंकि उनको जरूरत है दे आर नीडिंग क्योंकि उन्हें जरूरत है नीडी पीपल कम देयर एंड दे हैव बीन टेकन एडवांटेज ऑफ जब जिनको कुछ जरूरत है जब वो लोग उस मंदिर में आते हैं तो उनका फायदा उठाया जाता है People were fearing men than God in that place. और लोग वहां पे लोगों से डर रहे थे लेकिन परमेश्वर से नहीं डर रहे थे। याजक लोग लोगों का बहिष्कार कर रहे थे जो लोग परमेश्वर की आराधना करने आए थे द लॉर्ड्स टेंपल वाजंट एनी मोर प्लेस ऑफ वर्शिप अभी परमेश्वर का मंदिर आराधना का मंदिर नहीं रहा महायाजक वहां पे सिर्फ अवसर ढूंढ रहा था कि कैसे वो पैसे कमा सके गॉड दे पीपल वो परमेश्वर को लूट रहे थे परमेश्वर के लोगों को लूट रहे थे टेम्पो मंदिर सो ब्यूटीफुल सो सो अमेजिंग टू लुक कम इतना सुंदर है और जब लोग वहां पे आते हैं कितना अच्छा है But no fruit. लेकिन वहाँ पे कोई फल नहीं था no वहां पे कोई आराधना नहीं था no वहां परमेश्वर का भय नहीं था no वो मन फिरा नहीं रहे थे जस्ट बिजनेस इन मनी एंड प्रॉफिट बस वो फायदे के लिए वहां पे पैसा कमा रहे थे वे मेरे लिए क्या है वट कैन आई मेक आउट मैं क्या ले सकता हूँ Verse 18. वचन अठरा यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि उससे डरते थे इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे you see, Jesus taught the truth. आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पे सच्चाई के बारे में बताया And they were all scared. The priests were worried now. और वो सब डर गए थे और याचक लोग बहुत ही निराश थे Because their money is going to go away. And they chose to plan the assassination of Jesus. The Lord was in the temple. Mein the. He was visiting his people. Wo apne logo ko milne ke liye the. And his servants are trying to kill him. Lekin unke khud ke sevak log unhe marna it's interesting to see how the hearts have changed. Because the prophets went to the priest and the high priest family. Where people would gather for worshiping God from all over the world the Gentiles now has turned into a place of business. और पूरे दुनिया भर से लोग जो अन्य जाति के लोग हैं वो लोग आए थे परमेश्वर का आराधना करने के लिए लेकिन वो जगह अभी व्यापार का जगह हो गया है प्लेस फॉर दाइल्स टू स्टैंड एंड वर्शिप गार्ड अगर आप देखेंगे पूरा मंदिर का डिजाइन जो था वो ऐसा था कि जहां पे अन्य जाति के लोग वहां पे आके परमेश्वर का आराधना कर सकते थे

और वहां पे भेंट होगा वहां पे बलिदान होगा जो परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे गैदरिंग प्लेस वे पीपुल प्रे एंड वर्शिप एंड सी गिव एन थैंक्स और वो इकट्ठा होने वाला जगह है जहाँ पे लोग आएंगे परमेश्वर का गाना गाएंगे और वहाँ पे आराधना करेंगे धन्यवाद करेंगे इट्स लाइक इंसेंस फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द फेथफुल पीपल हु वॉक टू सीक गॉड और वो एक धूप या सुगंध की तरह है जो वफादार लोग वहाँ पे आते हैं परमेश्वर को ढूंढने आते हैं नाउ द लिविंग गॉड इज प्रेजेंट देयर एंड देयर इज नो वर्शिप हैपनिंग व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे मिस्ड और वहाँ पे अभी जिंदा परमेश्वर वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे लोग उनका आराधना नहीं कर रहे हैं और वो सबसे बड़ा मौका को उन्होंने गवाया है और आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लुटोरों का अड्डा में आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे सिर्फ आ रहे हैं फायदा उठाने के लिए मुनाफा कमाने के लिए नो जॉय टू दू वहाँ पे कोई आनंद नहीं है जब वो मंदिर में आते हैं। Whoever comes with joy in seeking the Lord with need in their heart are not now happy। और जो कोई भी वहाँ पे प्रभु के तलाश में आते हैं और वो उस आनंद के लिए आते हैं और अभी वो आनंदित नहीं है Their offering is rejected and not accepted by the priest because they didn't buy the animal from the priest shop. और वो भी जो भी भेंट वो लेकर आए हैं वो भेंट को याचक अपनाते नहीं हैं और उसे अपनाया नहीं जाता इट्स बिकम अ प्लेस ऑफ एक्सॉर्शन और वो ऐसा जगह बना है जहां पे लोगों से पैसा लूटा जाता है अब्यूज एंड ऑफ द पीपल ऑफ गॉड और वहां पे दुर्व्यवहार किया जाता है और उत्पीड़न उन्हें दिया जाता है ट्विस्टिंग द द्रूथ फॉर सेल्फिश बेनिफिट्स और वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदों के लिए उसका उपयोग करते हैं। There was no fear of God। और परमेश्वर का भय नहीं था। Verse 19। वचन 19। प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। Jesus and his disciples went out of the city। और यीशु मसीह और उनके शिष्य उस शहर से बाहर गए। The truth here is

उनका कोई भी मन नहीं था कि वो वहां पे बदल जाए या फिर मन फिराए बस उनका सिर्फ यही यही योजना था कि वो कैसे यीशु मसीह को मार डालें। दिस इज हिपोक्रेसी और इसी को कहते हैं दिखावटी बीवेर ऑफ हिपोक्रेसी इसलिए आप दिखावटी से सावधान बरते आर यू मेकिंग प्रॉफिट ऑफ गार्डली थिंग्स और चर्च और प्लेस ऑफ वर्शिप क्या आप कलेशिया में व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं क्या आप का इस्तेमाल करके अपने खुद का खुद का व्यापार करके या कुछ फायदा उठा के पैसा कमा रहे हैं इफ यू आर अस्टर और इन मिनिस्ट्री समिस्ट्री आई यू लुकिंग फॉर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ the opportunities to serve people and make money out of it i know people who go to visit homes and pray for the people and when they are not given any money or donation they are so upset

There are many ministers who use guilt as a way to take money from people. और बहुत से सेवकाई जो लोग हैं वो बस लोगों को दोष लगाकर उनसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं. People get involved in ministry so that they can make money because they cannot do any other job. और बहुत से लोग सेवकाई में जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सेवकाई करके मुझे पैसा मिलेगा और कोई काम मुझे नहीं मिलेगा. And there are many men out there or women out there who just using the church Or the ministry as an opportunity to make money for themselves. Are you using the people of God for money? I've seen poor pastors who started their life with nothing and then they take they take money, they do everything, and they have big, big bungalows in so many places in India. मैंने ऐसे भी पासवान को देखा है जो पहले गरीब थे लेकिन अभी सबसे पैसा लूट लूट के सबसे पैसा ले लेकर अभी उनके पास बहुत बड़ा घर है God blesses people, I know that. हाँ परमेश्वर आशीष देते हैं ये मैं जानता हूँ मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन आप ऐसे परमेश्वर के लोगों का फायदा ना उठाए रिपेंट एंड चेंज मन फिराए Let's cleanse our hearts of hypocrisy. Let's pray. Father, I just pray for my brothers and sisters, especially those in ministry, to turn their hearts towards you. I pray, Lord, you move mightily and make a change in their hearts. Lord, I pray we understand the true service and worship to you. Let's meet people with their needs and bring them to you, not stop them. Let's not make money through the process.

लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है और अगर आप पास्टर जोश के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्यौता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए हम आपको एक लिंक देंगे आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है सही है कि नहीं तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए कॉल कीजिए हमें व्हाट्सअप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए अतः और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं शुक्रिया